ये मेरा पांचवा दिन है श्रीलंका में. मैं अभी उठा हूँ. रात को करीबन 9:30 बजे के करीब सो गया था और अभी 6:30 बजे हैं, तो कम से कम 10 घंटे, 9 से 10 घंटे सोया हूँ मैं. अब रिचार्ज फील कर रहा हूँ. और अभी आज का ये प्लान है कि मैं 3.5 किलोमीटर दूर एक बीच है और मेरे पास साइकिल है, तो मैं साइकिल करके बीच पे जाऊँगा और फिर वापस आऊँगा थोड़ी देर में. फिर ब्रेकफास्ट खा के मेरे को आगे निकलना है. तो मैं बीच हॉपिंग कर रहा हूँ, आप एसेंशली यही कह सकते हैं, बिकॉज ये सदर्न कोस्ट लाइन में सारे बीचेज हैं, तो मेरे को जितना एक्सप्लोर कर सकता हूँ करूँगा. एक दो और जगहें हैं जो बीचेस दिखाऊँगा, उसके अलावा फिर नॉर्थ की तरफ हेड करेंगे हम लोग. बीच अभी खाली होगा मेरे हिसाब से, 6:30 बजे हैं, कोई ज़्यादा होगा नहीं. तो मैं अगर पहुँच जाऊँ जल्दी तो आप लोगों को एक खाली बीच दिखा पाऊँगा, नहीं तो वैसे तो क्राउडेड ही होता है. और ये साइकिल है मेरी. और यहाँ पे एक्चुअली सारे बीचेस पे आप लोग साइकिल हायर कर सकते हो करीबन 400 से 500 श्रीलंकन रुपीज़ में. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि कर लेना, पूरा बीचेस के अराउंड का एक्सप्लोर कर सकते हो और फ्रीडम भी मिलती है, कोई टुक टुक या कुछ हायर नहीं करना पड़ेगा. और एक्चुअली दिस विल रन यू चीपर, सो आई वुड सजेस्ट दिस. अभी चलता हूँ इस पर. सबसे बेस्ट बीच था अभी तक का जो मैं गया हूँ. काफ़ी अच्छा पानी है, खाली है, ऐसा लगता है अपना खुद का प्राइवेट बीच है. तो डेफिनेटली आना, सुबह सुबह आना. आई थिंक ये सबके लिए रूल अप्लाई करेगा कि सुबह सुबह अगर आप कोई भी बीच पे आ जाओगे तो मोस्टली खाली मिलेगा. यहाँ पे 4-5 लोग ही थे और कोई नहीं था. बहुत ही मज़ा आया. मैं थोड़ी देर बैठा, अब मैं वापस निकलने वाला हूँ अपनी साइकिल पर. जैसे आप देख पा रहे होगे लॉक लगा दिया था, अपने शूज़ अंदर रख दिए थे मैंने. उनावतुना में साइकिल करते हुए जा रहा हूँ. ये पूरी मेन मार्केट है, मैंने दिखाई. एक हाथ से कैमरा हैंडल कर रहा हूँ, एक हाथ से साइकिल हैंडल कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ. जनाब को टर्टल मिला है यहाँ पे, छोटा सा. Where did you find it? I didn't find it there. There? अच्छा, you're putting it in the Good. Good. अपने हॉस्टल से तो निकल गया हूँ. यहाँ से मिरिस्सा जाना है जो करीबन 30 किलोमीटर दूर है. बस ही पकड़ूंगा, सीधी बस है यहाँ से. Go along this way 100 meter and you can see that building, okay? In front of that building, there is the buses. On station. The other side? Yeah, other side. Okay. Matra bus is possible, okay? Matra bus? Yeah. Straight to Mirissa? Yeah, straight to Mirissa. Thank you, sir. Thank you so much. या तो Google Maps का सहारा ले लो या फिर ऐसे किसी local से पूछ के अपनी जगह पे पहुंच जाओ. उसमें अलग ही मजा है, अपना एडवेंचर है. चलो पहले बस पकड़ते हैं. कम से कम 5 किलो आगे, 8 किलो पीछे है. खुद मैं 70 किलो का हूँ. कंप्लेन नहीं कर रहा, अच्छा है. बैकपैक ऐसे ले जाना. आप में से काफ़ी लोग तो लगेज ले जाते होंगे, उसमें कुछ मज़ा नहीं आता यार. अपने ऊपर हो झोला पकड़ के निकल जाओ नई नई जगहों पे, नए नए शहरों में, नए नए देशों में. बस उसमें ही मज़ा है. Yeah.
Mirissa और अभी अपने हॉस्टल मरिस्सा बीच हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ. करीबन 40-50 मिनट की राइड थी, 100 श्रीलंकन रुपीस लिए, करीबन 40 रुपए हो गए. ठीक थी राइड, बहुत गंदी तरह चलाते हैं, बहुत ही रैश चलाते हैं. यहाँ के कोलंबो के माइकल शुमाकर बने हुए हैं ये लोग. एनीवेज अभी चल के जा रहा हूँ, चेक इन करूँगा, फिर लंच खाऊँगा. सी आफ्टर दैट. खाली है भरपेट. ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, देव मिनी रोटी शॉप एंड होम स्टे. बहुत ही बढ़िया खाना था एक्चुअली, प्रॉबेबली द बेस्ट खाना जो मैंने खाया है यहाँ पे श्रीलंका में अभी तक. बिल्कुल ट्रेडिशनल श्रीलंकन फूड. तो आप में से कोई मिरिसा आता है, मिरिसा एक्चुअली काफ़ी फेमस है, तो अगर आप लोग आओ तो डेफिनेटली यहाँ प्लेस को ट्राई करना. पूरा गोवा जैसा ही है, ऐसे कॉलोनीज और ये सब. और ये मिरिसा बीच है, ऑल्सो नोन एज द हिपस्टर बीच. यहाँ पे श्रीलंका में यहाँ पे रात को पार्टीज होती हैं जो मैं रात को शूट करूँगा. एंड ये शायद अभी तक का मेरा बेस्ट बीच है. मैंने पिछले वाले को भी कहा था बट ये बेटर होते जा रहे हैं. द वाटर की क्वालिटी भी बहुत बेटर है यहाँ पे. अभी मैं अंदर जा रहा हूँ तो मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है ऑब्वियसली. ये कुछ नज़ारा है यहाँ पे मिरिसा बीच श्रीलंका में. और यहाँ पे ये स्विम वेयर और हिपस्टर वेयर मिल जाएगा आप लोगों को. बारगेनिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल इंडिया की तरह ही है. बारगेन करो और अच्छा प्राइस लेके ले जाओ. बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि श्रीलंका कोस्ट लाइन पर तो फिशिंग बहुत होती है. फिशिंग एक एक्चुअली वन ऑफ द मेन एक्सपोर्ट्स है श्रीलंका का. तो वहाँ जो मैं पीछे रेस्टोरेंट दिखा रहा था वहाँ पे आप एक्चुअली अपने लिए फिश या कोई भी सी फूड चूज़ कर सकते हो. एंड टेल देम कि आपको कैसे कैसे बनाना है, कैसे चाहिए आपको, ग्रिल चाहिए, फ्राइड चाहिए, कैसे भी, एंड दे विल मेक इट फॉर यू. प्राइस निगोशिएट कर सकते हैं. शायद अंधेरा हो गया होगा, आप लोगों को दिखेगा नहीं, पर यहाँ पे एक हॉन्टेड हाउस है. अपेरेंटली हॉन्टेड है, लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है. मैं जाके चेक कर रहा हूँ, डर तो लग रहा है पर कोई बात नहीं, चेक करते हैं. आपको सिर्फ एक लाइट दिख रही होगी. मजाक कर रहा है यार, अंधेरी सड़क है बस, कोई ऐसी बात नहीं है. और रात को मिरिसा कुछ ऐसा लगता है. सारे रेस्टोरेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स. अभी कहीं बैठूंगा मैं, जगह डिसाइड कर रहा हूँ. ये किसी ने यहाँ पे बीच पे रेत का किला बनाया है, बहुत क्रिएटिविटी लगाई है बनाने में.
और अभी बीच से निकल चुका हूँ. काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पे. अगर आप में से कोई भी आता है अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है. रेस्टोरेंट्स लगे हुए हैं बीच के किनारे, ड्रिंक्स सर्व हो रही हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. थोड़ा टूरिस्ट प्राइसेस हैं पर ठीक है अगर आप इंजॉय करो. और एक्चुअली ड्रिंक्स पे हैप्पी आवर भी होता है 4 PM से लेके 11 PM तक, तो डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको ड्रिंक्स मिल जाएंगी अगर आप में से कोई आना चाहे यहाँ पे. मैंने सिर्फ एक बियर ली, मैं ज़्यादा ड्रिंक करता नहीं हूँ. यहाँ पे सराउंडिंग इसके रेस्टोरेंट्स हैं सारे. अभी अपने हॉस्टल की तरफ ही जा रहा हूँ. हाँ सो अभी दैट्स जोजो एंड सैमी. जोजो एंड सैमी ये दोनों मेरे हॉस्टल से हैं. अभी पार्टी की तरफ ही जा रहे हैं. मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि 10:30 होती है, तो मैं इनसे मिली गया हॉस्टल जाते वक्त. तभी इन लोगों के साथ ही जा रहा हूँ. आप लोगों को दिखाता हूँ आगे क्या होता है नाइट लाइफ मिरिसा श्रीलंका में. या लेट्स जस्ट स्टे ट्यून्ड. और ये एक छोटी सी बेबी शार्क है जो यहाँ पे मेरे को मिली है. और जो भी मैंने शार्क दिखाई थी, बेबी शार्क दिखाई थी, अगर वो प्रिपेयर करके कुक करनी है तो 3,500 श्रीलंकन रुपीस लगेंगे, विच इज़ रफली अराउंड $10 to $15. और आप एक्चुअली 2-3 लोगों से शेयर कर सकते हो, तो दैट ओनली बी 200 to 300 रुपये फॉर अ शार्क. तो दैट्स प्रिटी गुड. अगर आप में से कोई सी फूड का एंथूजियस्ट है, डेफिनेटली कम हियर एंड ट्राई दैट सी फूड. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सी फूड बट मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी. अभी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, लेट्स गो. निकल आया पार्टी से, बहुत जल्दी निकल आया. लोग तो लगे हुए हैं पार्टी करने में. 1, 2, 3, 4 बजे तक चलती रहेगी. आई एम नॉट अ बिग पार्टी पर्सन, तो मैं निकल आया. आई वॉन्टेड टू गो बैक एंड स्लीप. तो इस वीडियो को प्रॉब्ली दूसरी बार एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे करते हैं. आई होप जो दिखाया आप लोगों को अच्छा लगा. इफ़ यू डिड, प्रेस द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कॉमेंट डाउन बिलो आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा. That's it. I'll see you guys in another one.